लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लड़का हुआ जी? जी महारानी साहिबा, अपनी रियासत के कानून के मुताबिक इसे जल परवाह कर दो। नहीं, नहीं, मेरे बेटे को जल समाधि मत दो, मत दो। मत भूलो कि तुम इस रियासत की राजकुमारी हो और आने वाले कल की महारानी। अगर तुम ही कमजोर पड़ गई तो हमारी रियासत के कानून का क्या होगा? रियाया हो या रानी, कानून सबके लिए बराबर लागू होता है और रूपनगर के कानून के मुताबिक कोई भी मर्द यहाँ का वारिस या बाशिंदा नहीं हो सकता। सदियों से ये रियासत औरतों की रही है और हमेशा औरतों की ही रहेगी। मर्द यहाँ सिर्फ गंधर्व विवाह करने आ सकता है और वो भी तब जब हमारी रियासत की कोई कन्या उसे अपना वर चुन ले। क्या क्या मैं अपने बेटे को एक बार देख सकती हूँ? नहीं, हम ममता की नदी में जज्बात का पत्थर फेंक कर कोई हलचल पैदा नहीं करना चाहते। जमुना दाई, जाओ और सूरज डूबने से पहले इस बच्चे को जल प्रवाह कर दो। नहीं, नहीं। ऐ इस दुनिया में आने वाले मेहमान, तुझे इस दुनिया में भेजने वाला भगवान है। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला भी भगवान ही है, इसीलिए भगवान के भरोसे मैं तुझे जल प्रवाह कर रही हूँ। मेरी तुझसे ज्यादा दुश्मनी कोई नहीं है। मैं अपनी रियासत के कानून और महारानी के हुक्म से मजबूर हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना।
उठे रियासत रूपनगर का रास्ता कौन सा है? बोल। मेरे बॉस की डायरी के मुताबिक इन पहाड़ियों के आसपास ही होनी चाहिए। यह रही रूपनगर की निशानी। लेकिन इनके पास इतना सोना आया कहां से? ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रियासत में बेशुमार सोना है। शह, अगर तुम्हें इतना कुछ मालूम है तो रियासत का पता क्यों नहीं मालूम? जितना मुझे इल्म था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। Hey, Salon Man, अपन का नाम डॉक्टर पिंटो है क्या? अपन साला दुनिया भर को इंजेक्शन देता है और तुम अपने को झूठ का इंजेक्शन दे रहा है। एंड मिस्टर ओल्ड मैन, जब तुम्हारा बॉस वो रूपनगर के छोकरे के साथ लव मैरिज किया, यानी कि गांधर्व विवाह किया, तो उसको रूपनगर का रास्ता नहीं मालूम? रूपनगर की लड़की जब गर्भ धारण कर लेती है तो वहाँ की महारानी गर्भदाता को ढेर सारा सोना देकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे विदा कर देती। वहां से लौटने वाला फिर कभी रूपनगर का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। मेरे बॉस ने भी बहुत कोशिश की थी मगर नाकाम रहे। तुम्हारा बॉस नाकाम रहा, लेकिन हम नाकाम नहीं रहेंगे। आए हैं तो रूपनगर को ढूंढ कर ही रहेंगे, लेकिन बुड्ढे की छोकरी किधर है? चंपा को मालूम होगा। ए चंपा! हाय हाय, साला स्टेज पे एंट्री ले रहा है क्या? नाम भी छोकरी के माफिक और हरकत भी छोकरी के माफिक, इज्जत का बच्चा। डॉक्टर, मेरे बाप ने तो मेरा नाम बड़ा मर्दाना रखा था, चंपा लाल, लेकिन बचपन में मेरे दोस्तों ने लाल काट दिया, तब से जरा बस 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 बकवास बंद कर। ये बता, रीटा कहाँ है? जाएगी कहाँ, यहीं कहीं टहल रही होगी जंगल में।
जान बचाने वाले मसीहा का नाम जान सकती हूँ? मैं तुम्हारा नाम पूछ रही हूँ। नाम? नाम? मैं समझ गई, तुम बोलना नहीं जानते। खैर, मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम रीटा है। नाम? रीटा। रीटा। नाम? रीटा। अभी तक तुम बेनाम थे, अब मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ। तुम्हारा नाम है राजा। तुम्हारा नाम राजा। राजा। रीटा। यस। रीटा। राजा। यस यस यस। ये तुम्हारा दोस्त है? दोस्त 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 दोस्त। ये हाथी तुम्हारे साथी हैं? साथी। ठीक है, अब तुम उधर मुँह करो, मुझे कपड़े बदलने हैं। Thank you.
कहां से आ रही हो? तुम पूछने वाली कौन होती हो? तुम लोग मेरे डैडी को पकड़ कर लाए हो रूपनगर का खजाना पता करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, मैं आजाद हूँ। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जवानी जंगल में उछालती फिरो। जवानी में इतनी आग लगी है तो यहाँ आदमियों की कमी नहीं है। शट अप! मैं तुझ जैसी बेहया औरत के मुंह नहीं लगना चाहती। किसी वेश्या का भी बिस्तर इतना गंदा नहीं होगा जितनी गंदी तेरी जुबान है। जुबान संभाल कर बात कर कमीनी। नहीं गजा, कोई बीच में नहीं आएगा। लड़ाई इन दोनों की है, इसलिए फैसला भी इन दोनों में ही होगा। देखा? अरे वाहरी रीटा, मैं तो समझता था तू मेरी तरह नाजुक होगी, लेकिन तू तो बड़ी बहादुर निकली, चार ही हाथ में इसे जमीन सुंगा दी। बासी कड़ी में उबाल आएगा भी तो कितना। ये बासी कड़ी तो तड़का मांगती है। तुम बहुत बहादुर हो, और बिल्ला बहादुर लड़कियों को पसंद करता है। तुम चाहो तो इस कदरदान पिल्ले से रिश्ता जोड़ सकती हो। मैं तुम जैसे लालची और बदमाश आदमी से रिश्ता जोड़ना तो नहीं चाहती। हाँ, राखी वाले दिन मैं तुम्हारे हाथ पर राखी जरूर बांध दूंगी। रीटा, अरे राजा, तुम इस वक्त? रीटा, राजा, जानती हूँ राजा रीटा से मिलने आया है, लेकिन ये गंदे ख्यालों के लोग इस बात को नहीं समझेंगे और मुझे मेरे डैडी की नजरों में गिरा देंगे, और मैं अपने डैडी की नजरों में नहीं गिरना चाहती। भगवान के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कल नदी के किनारे मिलूंगी। नदी के किनारे? ओह, जाओ। अगला कहीं का रीटा। अरे राजा। रीटा चलो। राजा, तुम रात भर इस पेड़ पर बैठे रहे, तुम सोए नहीं? रीटा, जिसने तुम्हें रात भर मेरे लिए जगाया वो भावना तुम्हारे दिल में है, लेकिन तुम उसका नाम नहीं जानते। हम जुबान वाले इस भावना को प्यार कहते हैं। तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन कह नहीं सकते। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं कह सकती हूँ। आज मैं तुमसे कहती हूँ, रीटा तुमसे प्यार करती है, रीटा तुमसे प्यार करती है। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नदी के किनारे मिलूंगी। रीटा, राजा तुमसे प्यार, राजा तुमसे प्यार।
सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? लकड़ी लेने। तेरे पास है तो दे देना, मेरा चूल्हा ठंडा हो रहा है। देख मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है कि मुझसे मजाक मत किया कर, वरना किसी दिन तेरा वो हाल करूंगा कि बिस्तर से नहीं उठ सकेगा। प्रॉमिस। हट हट चोटा कहीं का। शेर 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 कहाँ? वो देखो। वो तो नकली शेर है, शेर की खाल में भूसा भरा हुआ है। सच? हाँ। तूने ऐसा क्यों किया रे? ताकि शेर को देखकर कोई छोटा मोटा जानवर ना आ सके। तो फिर तू यहाँ कैसे आ गया छेला? क्या कह गया? अरे कितना घना जंगल है। ओए माँ, ये तो नकली शेर है, लेकिन क्या बनाया है बनाने वाले ने, बिल्कुल असली लगता है। ए ये आवाज कैसी? पतलून तो सलामत है, फिर फटा क्या होगा? अरे बोलो ना दुनिया वालों, फटा क्या होगा? अरे बॉल उछालती हुई कहाँ जा रही है रिटा? बैट तो मेरे पास है, मैं बैट की बात कर रहा था। अच्छा तो तुमको बैटिंग करनी है, ये लो लो। ओ तो तुमको बॉलिंग करनी है, ये लो। की जहर का नशा तो तुमने उतार दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार का नशा जिसने मेरे आंग आंग में मस्ती भर दी है, उसका कोई इलाज है तुम्हारे पास? ओहो मुश्किल तो यह है कि तुम मेरी कोई बात ही नहीं समझते। अच्छा ठहरो। दिल है, एक तुम्हारा और एक मेरा। मेरे दिल पर तुम्हारा नाम है और तुम्हारे दिल पर मेरा नाम, दो दिल और दो नाम, राजा रीटा और रीटा राजा। चालाक भोले हो, प्यार की भाषा इतनी जल्दी समझ गए।
तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? ताज्जुब है, कुआं प्यासे से पूछ रहा है कि प्यासा कुएं के पास क्या करने आया है। गंदी नालियों में गोता लगाने वाले वासना के कीड़े। रीटा कुआं नहीं, तूफानी नदी है। आज मैं उस तूफानी नदी पर बांध लगा दूंगा। तेरी ये हिम्मत से तूने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डाला? ए बुढ़े, तूने सांप की दुम पर पैर रखा है, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह गंजा बेवकूफ, अगर कमान ही तोड़ डालेंगे तो तीर कैसे चलाएंगे? इस बूढ़ी कमान से क्या तीर चलेगा? अभी तक कौन सा इसका तीर निशाने पर बैठा है? आज नहीं तो कल बैठेगा। हाँ? लगता है तूने महाभारत नहीं पढ़ी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर जाना तो सीख लिया था, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए वो मारा गया। हम भी इन पहाड़ों के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, अब बाहर नहीं आ पाएंगे। बाहर आने के लिए हमें इस पुट्ठे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पुट्ठा पहाड़ी रास्तों का जानकार है। समझे? You're right, बोल रहा है। सुनो, एक बार साला कोई इन पहाड़ियों में खो जाए ना, तो साला जिंदगी भर यानी होल लाइफ वापस नहीं आ सकता। अंडरस्टैंड इडियट का बच्चा? और तुम एक लड़की के लिए हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेरना चाहते हो? ज्यादा बड़ी बातें मत करो गजा, तुम तो अपने साथ अपनी माशुका लाए हो और हमें किसी औरत की तरफ देखने में नहीं देते। अगर सच्चे दोस्त बनते हो तो जिस तरह शराब बांटकर पीते हो, उसी तरह औरत भी बांटकर खाओ, चाहे वो रीटा हो या प्रेमा। हराम ज़ादे ज़बान संभाल कर बात कर। खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ना, इस हराम ज़ादे ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। निकल कमीने, निकल जाए यहां से। अगर कल सुबह तेरी शक्ल नजर आई तो गोली मार दूंगा। जाता हूँ जाता हूँ, मुझे तुम जैसे लोगों के बीच रहना भी नहीं है। सीने पर तीर की नोक चुभा दी, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तुम जैसी हसीन लड़की अगर तीर दिल के पार भी कर दे तो भी दर्द नहीं होगा। मर्द मालूम होते हो, मैं रूपनगर से आई हूँ और तुमसे गांधर विवाह करना चाहती हूँ। रूपनगर की लड़की जब गर्भ धारण कर लेती है तो वहाँ की महारानी गर्भदाता को ढेर सारा सोना देकर से विदा कर देती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत बहादुर और हसीन लड़की हो। आंखों पर ये पट्टी बांध लो। क्यों? मैंने तुम्हें अपनी रियासत के सारे दस्तूर और कानून बता दिए हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। हमारे यहाँ वर सहरा बांधकर नहीं पट्टी बांधकर आता है, और वधु की डोली नहीं सोना लेकर लौटता है। हाँ, लाओ जैसा देश वैसा भेस। संभाल कर। रुकिए, Thank you.
किसी की जय हो। मैं इस आदमी से विवाह करना चाहती हूँ। इसे अपनी रियासत के कानून और दस्तूर समझा दिए हैं? जी महारानी साहिबा। ठीक है, वरमाला पहना दो। कन्यावती भव। प्रणाम रानी मां। धनवान भव। जाओ अंदर जाकर देवता से आशीर्वाद ले लो। नहीं, तुम यहीं ठहरो। अबे ओ बुड्ढे, क्या पन्ने उछाल रहा है साले? सुबह से शाम हो गई पहाड़ियों की खाक छानते छानते। तेरा रूपनगर आसमान पर है या पाताल के अंदर, बताना। Hey, साला ओल्ड मैन, अपन को चकमा देगा ना तो अपन साले तेरा ब्रेन उड़ा देगा, समझा? Hey, Pinto, नाराज नहीं हो रहे? रूपनगर के लिए हमें महीनों तक इन पहाड़ियों की शायद खाक छाननी पड़े, इसलिए डोंट गेट एक्साइटेड। बिल्ला की लाश। चल जा बुड्ढे, चल चल जा। वॉश इधर। ए लुकमैन, ए मैन, रूपनगर के निशाने गज्जा, इसका मतलब यह है कि बिल्ला रूपनगर तो जरूर गया था लेकिन अपने किसी हरकत की वजह से मारा गया। बिल्ला की लाश और ये हार, इसका मतलब है रूपनगर यहीं कहीं है। हम बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब होंगे। अरे मेरी लिपस्टिक और आईना कहाँ गया? ये क्या हुलिया बना रखा है? ये श्रृंगार औरतों का काम है, तुम मर्दों का नहीं। हम्म।
ये देखो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की फोटो। राजा माँ फोटो। फोटो राजा साथी। अब तुम मेरी फोटो खींचो, ये लो। I love you.
बातों से राझा ने कहा जो हीर से लैला ने कहा जो मजनू से राझा ने कहा जो हीर से वही मुझसे दुनिया को तेरे साथ जीना है प्यार का मौसम है बातों का महीना है भूल के दुनिया को तेरे साथ जीना है क्या समा है आजा आई बहार दिल है बेकरार ओ मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जाए आजा आई बहार दिल है अरे 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 जंगल में किसने अटका दिया उई छूटती भी नहीं उई उई हाँ? अरे हट कौन है तू जा पहले कपड़े पहन के आ नंगा कहीं का अरे अरे छोड़ मुए छोड़ मेरी कुल्हाड़ी फेंक दी जालिम अरे तू आदमी है या पहाड़ जहाँ खड़ा है वहीं अड़ा है उफ मेरी कलाई अरे ये क्या कर रहे हो कहाँ ले जा रहे हो कोई देख लेगा अरे नहीं 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 अरे देखो कुछ मत करो तुम्हें भगवान का वास्ता है नहीं नहीं उफ साले सिर्फ कपड़े उतारने तक की बात थी कोई बात नहीं नंगे को नंगा मिला करके लंबे हाँ Thank you.
रूपनगर से आई हूं। आओ आओ ना, इसे अपने रियासत के कानून और दस्तूर समझा लिए तुमने? जी नहीं रानी साहिबा, ना तो ये कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ समझ सकता है। मगर ख्याल रहे, रियासत के कानून को कोई चोट न पहुंचने पाए। मैं वादा करती हूँ रानी साहिबा, ना तो मैं मर्यादा का उल्लंघन करूंगी, ना ही रियासत के कानून को चोट पहुंचने दूंगी। पति मोह संतान मोह से विमुख होकर मर्यादा का पालन करूंगी। ठीक है, वरमाला पहना दो। हमारी रियासत की तौहीन है। रीटा, रीटा, रीटा? कौन रीटा? ये तो चंदा है। रीटा, राजा, रीटा। ये बेजुबान किसी रीटा नाम की लड़की से प्यार करता है, इसके साथ जबरदस्ती ना की जाए, इसे सोना देकर लौटा दिया जाए। हार? रीटा, हार। इसे वो हार दे दो। तुम कहाँ चले गए थे? ये दोस्त खींचता हुआ मुझे यहाँ ले आया। रियासत, रानी, चंदा, हार। रीटा, हार, हार। तुम रूपनगर गए थे? हार, हार। इसका मतलब है राजा रूपनगर होकर आया है। हाँ डैडी। फिर तो उसे रूपनगर का रास्ता मालूम हो गया होगा। पता नहीं, हो सकता है दूसरों की तरह उसकी भी आंखों पर पट्टी बांधी गई हो। मगर मैं पूछूं कैसे, वो बेचारा तो बोलना भी नहीं जानता। हाँ बोलना हम सिखा देंगे बेबी। महाराव,
अरे खुदा मैन, अपना स्वीट चार्टर के साथ बाहर निकला, कमान। तुम हमें सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारा राजा कहाँ मिलेगा। हमारे आदमी जाके उसे जंजीरों में बांध कर घसीट के यहाँ ले आएंगे। रास्ता हम खुद पूछ लेंगे। तुम्हारे आदमी उसको क्या जकड़ेंगे? लोहे की जंजीरें उसके सामने कच्चे धागे की तरह हैं। अबे ओ छोकरी, बड़ा गुमान है तुझे अपने आशिक की ताकत पर, हाँ? इसका गुरूर सच्चा है, वो सचमुच बहुत ताकतवर है। और ताकतवर आदमी को जकड़ने के लिए लोहे की जंजीरों की नहीं जुल्फों की जंजीरों की जरूरत होती है। राजा लोहे की जंजीरें तो तोड़ सकता है, मगर अपनी रीटा की जुल्फों की जंजीरें नहीं। तो मिली प्याली प्याली छोकली, जाओ जकड़ लाओ उसे अपनी जुल्फों की जंजीरों में। जाओ। हरगिज नहीं, मैं उसे तुम्हारे हवाले किसी कीमत पर नहीं करूंगी। ए गजा गजा गजा, ये लड़की ऐसा नहीं मानेगा। ये लड़की का दुख तरग हमारे को मालूम, हम डॉक्टर है ना, डॉक्टर पिंटो। Hey baby doll, ये इंजेक्शन के अंदर जहर है, और जब ये जहर तुम्हारे ओल्ड मैन के अलाइव बॉडी में जाएगा तो तुमको इसका डेड बॉडी मिलेगा। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो फिर हमारी बात मान लो बेबी। तुम उस पर कोई जुल्म तो नहीं करोगे? बिल्कुल जुल्म नहीं करेंगे, हमारी उससे दुश्मनी तो है नहीं। हमारा मकसद रूपनगर का खजाना है, उससे रास्ता पूछ के हम उसे छोड़ देंगे। राजा, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत मजबूर हूं। यहाँ भी आ गया, जरूर मेरी तरह इन लोगों को भी नंगा करेगा। मैं इनके लिए भी पत्ते लेकर आता हूँ। वेलकम राजा, वेलकम। आहिस्ता यार, हाथ है कि शिकंजा? आज का दिन तुम हमारे मेहमान हो, आओ यहाँ बैठो, जाम पियो, काम की बात बाद में करेंगे। बैठो बैठो बैठो। हाँ शाबाश 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 शाबाश। Hey, 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 Gajah, what man? तुम ये जंगली, ये नंगा आदमी को शराब पिलाएंगा? पिंटो, कभी तो अपनी अकल का इस्तेमाल कर लिया करो। बच्चों को फांसने के लिए खिलौनों की जरूरत होती है, औरत को फांसने के लिए तोहफों की जरूरत होती है, और बेवकूफ आदमी को फांसने के लिए शराब की जरूरत होती है। लो लो। मान गए गज्जा, तुम कौड़ी बड़ी दूर की सोचते हो। Cheers. 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 हाँ हाँ हाँ
ये जंगली पागल हो गया। डेब का बच्चा साला नंगा मार। गजा गजा बचा ले। कहाँ जा रहा? बच गया। Hey, Nangaman, stop it! Nangaman, hey, hey, sala idiot ka bacha! Hey, sala table tod diya! Nahi, nahi karma. Yehi to hamare Roopnagar ke khazane ki chabi hai. Use nahi marna, yehi to hame wahan lekar jayega. Ruk jao, Raja, ruk jao. Chalo, chale, chalo, chale. गजरालिंग एक बात तो बताओ। पूछो। घी को कौन पिघलाता है? सीधी सी बात है, आग। सुलगती हुई आग घी को पिघलाने में ज्यादा काम करती है या भड़कती हुई? भड़कती हुई। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रीटा सुलगती हुई आग है और मैं भड़कती हुई। अगर रीटा तुम चाहती हो रूप के जाल में फंसा कर राजा से रूप नगर का रास्ता पूछ लोगी? हाँ। गुड आइडिया। तुम कल ही दाना फेंक दो, लेकिन कालिया तुम्हारे साथ रहेगा। कोई भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। ओके ओके। प्रेमा डार्लिंग। रीटा। हाँ? तुमने तो मुझे यूं छोड़ा जैसे मैं बिजली की नंगी तार हूं। रीटा, मैं रीटा से ज्यादा हसीन हूं। रीटा, आज मैं तुम्हारे सर से रीटा का भूत उतार कर ही रहूंगी।
रीटा। किस? किस? ओ राजा। Oh,
समझ रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरे बाप को मारने की तैयारी कर रहे हैं। कमान ही तोड़ दोगे तो तीर कैसे चलाओगे? मैं जानती हूँ तुम मेरे डैडी को नहीं मार सकते, क्योंकि मेरे डैडी के बगैर तुम इस पहाड़ी रास्तों की भूल भुलैया से बाहर आ ही नहीं सकते। हाँ, तुम ठीक कर रही हो। हम तुम्हारे बाप को मार तो नहीं सकते, लेकिन उसे टॉर्चर तो कर सकते हैं। हम उसे तड़पाएंगे, उसे मौत से बदतर जिंदगी देंगे। नमूना देखना चाहती हो? पिंटो, छोकरी, अगर तुम चाहते कि हम तुम्हारे ओल्ड मैन को टॉर्चर नहीं करेंगे, तो फिर ये इंजेक्शन लो। ये इंजेक्शन में 2 घंटे का बेहोशी का दवा है, इसको राजा को लगाओ। उसके बाद हम लोग उस पर काबू करेंगे, और उसके बाद रूपनगर का एड्रेस यानी कि पता पूछेगा। Got it? नहीं? ऐसे मत करो, छोड़ दो। अगर तुम राजा को इंजेक्शन नहीं लगाओगी तो वो हमारे काबू में नहीं आएगा, और हमें रूपनगर का रास्ता पता नहीं चलेगा। हम तेरे बाप को और राजा को गोली मार देंगे। फैसला तेरे हाथ में। तुझे राजा की 2 घंटे की बेहोशी चाहिए या जिंदगी भर की मौत? सोच ले। No? Sweet girl, come on. Come on, take it, baby doll. Raja. Raja, mate. Come on. Come on. Hey, sweet daughter. Sweet, sweet. Yale butte. तुझे राजा की 2 घंटे की बेहोशी चाहिए या जिंदगी भर की मौत? तुझे राजा की 2 घंटे की बेहोशी चाहिए या जिंदगी भर की मौत? तुझे राजा की 2 घंटे की बेहोशी चाहिए या जिंदगी भर की मौत? राजा, मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगाया, तुम्हें दर्द नहीं हुआ? दर्द हुआ रीटा, दर्द हुआ। तुम्हारा आंसू दर्द हुआ। तुम क्यों रोई? राजा रीटा के लिए जान,
तुम्हारी जान सलामत रहे, इसीलिए मैंने तुम्हें ये इंजेक्शन लगाया है। सो जाओ राजा, इससे तुम्हें मीठी मीठी नींद आ जाएगी। मीठी मीठी नींद नहीं, बल्कि इसकी नींद हराम हो जाएगी। पकड़ लो इसे। राजा, अब तुम उस तूफान की तरह नहीं रहे जो बड़े बड़े पेड़ों को खाड़ कर फेंक देता है। राजा, अब तुम उस हवा से भी कमजोर हो गए हो जो एक दिन का भी नहीं हिला सकती। रीटा ने जो तुझे इंजेक्शन दिया है उसने तेरी सारी ताकत छीन ली है। नहीं नहीं, तुमने तो कहा था कि ये बेहोशी का इंजेक्शन है। अगर हम ऐसा ना कहते तो तुम इंजेक्शन लगाती? कभी नहीं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। तुमने राजा की ताकत तो छीन ली, मगर मोहब्बत की ताकत तुम कभी नहीं छीन सकते। बेबी, हमारे जिस्मों पर धोखेबाजी का खोल चढ़ा है, और ये खोल कागज का नहीं लोखंड का है, लोखंड का। मोहब्बत करने वालों की आहें लोहे को भी भस्म कर देती हैं। मत भूलो जालिमो, जुल्म की तलवार दुधारी होती है। जहां वो मजलूम को काटती है, वहीं वो जालिम को भी काटती है। ए साला कमजोर इंसान, ताकतवर को बद्दुआ देने के सिवाय तुम कर भी क्या सकता है? हाँ, औरत का सहारा लेने वाले अपने आप को ताकतवर समझते हैं। कुत्ते चाहे कितनी भी ऊंची आवाज में क्यों ना भौंके, शेर की धार का मुकाबला वो कभी नहीं कर सकते। पकड़ ऐसे ले चलो। साला नंगा मैन, पता रूपनगर कहाँ है और उसका रास्ता कहाँ से? अबे ओ जंगली गेंडे, नहीं मालूम? नहीं तो ले। नहीं राजा, सच बोल, बोल सच। राजा रास्ता नहीं मालूम। मालूम नहीं है तेरे को? मत मारो इसे, मत मारो ना कहते। चल हट, मारो, छोड़ दे इसे। इसका मतलब है कि राजा को रूपनगर का रास्ता मालूम नहीं। ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसे गोली मार देनी चाहिए। नहीं, 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 इसे मत मारो, इसे मैं पूछती हूँ, ये मुझे जरूर बताएगा। ठीक है, इसे बाहर निकालो। राजा, तुम ही मेरे प्यार का वास्ता है, तुम ही मेरे आंसुओं का वास्ता है। इन जालिमों को रूपनगर का रास्ता बता दो, वरना ये बेरहम लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। बता दो राजा, इन्हें बता दो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। राजा, मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। हमें रूपनगर के खजाने से कुछ नहीं लेना, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। राजा, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। बेबी, हमने तुझे राजा से रूपनगर का रास्ता पूछने के लिए कहा था, दास्ताने लैला मजनू सुनाने के लिए नहीं। उठ, आंसू से अगर पत्थर पिघलते होते ना तो उन्हें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये पत्थर आंसुओं से नहीं, कौड़ों की मार से टूटेगा। अरे ओ इडियट का बच्चे, जब तक तुम्हारा कौड़ा चलेगा तब तक हम अपना बंदूक का मुंह बंद करेंगे, यानी कि माउथ, समझा? इडियट। और जहां तुम्हारे कौड़े बंद होंगे वहां हमारी रिवॉल्वर के मुंह खुलेंगे। कौड़ा उठाओ, उठाओ।
पृथ्वी पर रह कर रास्ता बता दो, मेरे प्यार पर रह कर राजा रास्ता बता दो, बता दो रास्ता, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो रास्ता, बता दो अपनी पृथ्वी पर रह कर रास्ता, बता दो, बता दो, बता दो, बता दो। How sad, माशूक का प्यार भी बेकार, मार भी बेकार, what a unlucky girl. लेकिन हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, इसे उठा के पिंजरे में डाल दो, ये रास्ता बताओ को। तुम रूपनगर गए थे, वहां से ये हार लाए, फिर भी यही रट लगाए हो, तुम्हें रास्ता नहीं मालूम? नहीं मालूम। ठीक है, चलो भाग। एक गुज्जिया प्रेमा को लेके भाग, निकल चलो। वफादार साबित नहीं हुई, मेरी वफा दागदार हो गई, मगर मेरी बेवफाई को मेरी मजबूरी समझकर माफ कर देना राजा। तुम जाओ रीटा, तुम जाओ। ऐसा मत कहो राजा, ऐसा मत कहो। नहीं नहीं राजा नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजा! 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 कहाँ हो राजा तुम? देखो हम दो दिल और एक जान हैं, मगर एक दिल पर जख्म हो और दूसरा दिल कोरा, नहीं राजा, एक जख्मी दिल ही दूसरे जख्मी दिल से प्यार कर सकता है। पहली बार तुम्हें हमारी रियासत की लड़की यहाँ लाई थी, हमने तुम्हारा स्वागत किया था, आज दूसरी बार तुम अपने बंदर की मदद से यहाँ आए, इसलिए अब तुम्हारे लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। राजा दुश्मन नहीं, राजा दोस्त, रानी माँ राजा दोस्त, गज्जा दुश्मन रियासत लूटने आया। ये बहुत भोला इंसान है रानी साहिबा, इसलिए इसे और इसके जानवर को छोड़ दिया जाए, ये हमारी मदद करने और हमें होशियार करने आया है रानी साहिबा। ठीक है, इसे रिहा कर दिया जाए, लेकिन इससे कह दो कि वजह कोई भी हो, आइंदा इस तरफ वो कभी ना आए। बहुत बेहतर रानी साहिबा। जानी
जाने क्या बात है कि इस लड़के को देखकर हमारे दिल में एक हलचल सी पैदा हो जाती है। ये खून के जोश की हलचल है रानी साहिबा। क्या मतलब? जान की अमान हो रानी साहिबा। अमान दी। ये आपका बेटा है रानी साहिबा। क्या जी रानी साहिबा, जिंदगी ने इसे मौत के हाथों से छीनकर परवान चढ़ा दिया। मैंने इसकी छाती पर वो काला निशान देख लिया था जो इसका पैदाइशी निशान है। अपनी जबान यहीं बंद कर ले जमना। अगर माँ के ममता के तूफान ने रानी के सब्र का बांध तोड़ दिया तो इस रियासत की बुनियाद हिल जाएगी। लेकिन रानी साहिबा, हाँ? ये राज अपने सीने में दफन कर ले जमना। यहां से भी चल पड़े। अब ये बदमाश न जाने कहां डेरा लगाएंगे। यहां तो चारों तरफ मौत का तांडव हो रहा है। मुझे भी भाग जाना चाहिए, लेकिन भागू तो कहां भागू मैं। हाँ, ये चोली भी कितनी तंग है। अरे ये जंगली मुझे घूर क्यों रहा है। लगता है इसकी नीयत ठीक नहीं। उए, अरे ये तो मेरी तरफ आ रहा है। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, अरे बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ छोड़। कुत्ते क्या कर रहा है, शर्माती है नहीं, नहीं जरा खींच मुझे, नहीं नहीं। क्या रे छैला, अरे अरे कहाँ भाग रहा है। अरे सुन तो, ओ जाने वाले बाल भगवान, लौट के आ लौट के आ। भाग गया राजा। चंपा तुम बुरे, सब बुरे, रीटा बुरी, तुम जाओ। ऐसा ना कहो राजा भैया, रीटा बुरी नहीं, मजबूर थी। उन बदमाशों ने उसे धमकी दी थी कि वो तुम्हें और उसके बाप को मार डालेंगे, इसीलिए उसने तुम्हें वो इंजेक्शन लगाया। और पता है उन लोगों ने उसके साथ भी धोखा किया। उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन बेहोशी का है, अगर उसे पता होता कि इस इंजेक्शन से तुम्हारी सारी ताकत छिन जाएगी तो वो ऐसा कभी ना करती। वो बुरी नहीं है राजा भैया, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, दिन रात तुम्हारे नाम से रोती रहती है। रीटा रोती, रीटा रोती। हाँ चलो। रुक जाइए राजा भैया, मैं जरा कपड़े बदल लूं। इन निगोड़े कपड़ों की वजह से पहले ही मुझ पर कई मुसीबतें आन पड़ी हैं। अभी आया राजा भैया, जल्दी आओ, वो देखो। आइए ना, चल के देखते हैं। उई। हाय राम, उफो। और ये लगता है यहां से भी इन्होंने अपना डेरा उठा लिया। अब न जाने कहां डेरा लगाया होगा। रीटा तुम कहां? राजा मैं आ रही हूं, राजा मैं आ रही हूं। गज्जा, पिंटो, प्रेमा, क्या है? रीटा राजा को मिलने जा रही है। राजा को मिलने नहीं, बल्कि हमारे लिए राजा को ढूंढने जा रही है। हा? हम लोग छिप के इसका पीछा करेंगे, इसकी आवाज सुनकर राजा जरूर आएगा। गुड आइडिया गाजा। चलो प्रेमा तुम भी आओ। नहीं विंटो, इसे बचाने राजा जरूर आएगा। राजा! डॉक्टर पिंटो, उसमें तो पहले जैसी ताकत फिर से आ गई। मैन, इंजेक्शन में तो सिर्फ 3 दिन तक का असर रहता है। राज,
हृदय है। दिशाओं से घेर लो। कर्मा, तुम दो आदमी लेकर पूरब की तरफ जाओ। पिंटो, तुम पश्चिम की तरफ। प्रेमा, तुम उत्तर की तरफ। मैं दक्षिण की तरफ जाऊंगा। जहां भी राजा मिले उसके घुटने या टांगों पर गोली मार दो ताकि वो बेबस हो जाए। लेकिन याद रखना, उसके सीने पर गोली नहीं मारना। नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। मेरी बेटी को कुछ मत करना। अरे ओल्ड मैन, अगर तुम्हारा डॉटर हमारे बीच में उसका टांग आया तो हम उसके टांग पे आइस से दो तीन गोली मार देंगे। नहीं, अंडरस्टैंड? गज्जा, ये बताओ कि हम सब मिलेंगे कहां पर? सूरज डूबने से पहले हम सब लोग यही जमा होंगे। रीटा, तुम? रीटा नहीं कमीनी, मैं तेरी मौत हूँ। तूने मुझे और मेरे डैडी को बहुत दुख दिए हैं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। Thank you.
मकड़ा तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा और मैं तेरी मौत का नजारा देखूंगी। हुँ? एमेन, एमेन, अपन को कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए, इधर से चलो वरना अपन सब लोग एक एक करके मर जाएंगे। चलो होश से काम लो पिंटो, हमने इतना वक्त इतना पैसा क्या इसलिए बर्बाद किया कि अपना काला मुंह लेकर वापस शहर चले जाएं? नहीं, हम बहुत जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे पिंटो, भागो यहां से। राजा, मुझे भूख लगी है। राजा, फल। কি নাগা চাকানা মাকানা ঠিকো বাশাকা ঠিকো বাশাকা রিটা তুম কহা এ
गजा। हाँ? गजा वो बुढ़ा भाग गया। भाग गया? हाँ। कहाँ गया होगा? बहुत अच्छा किया डैडी, जा वहाँ से भाग आए। अब हम राजा को लेकर शहर चले जाएंगे। अगर यहाँ रहे तो राजा की जान को खतरा रहेगा। वो कुत्तों की तरह हमें सूंघते फिर रहे होंगे। हम रात के अंधेरे में यहाँ से निकलेंगे। वो तीनों शहर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। हमें चारों तरफ नजर रखनी होगी, इससे पहले कि वो जंगल की सड़क पार करें हमें उन्हें दबोचना होगा। गज्जा, नाकाबंदी करने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो। चिको वाशा का रिवॉल्वर मत निकाले बॉस। ये लोग पहले ही आप लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं। इनसे कहो हम इनके दुश्मन नहीं हैं। हम इनका कोई नुकसान नहीं करेंगे। तकाशा, मकाशा, शाका। हमारा संभाला, हमारा संभाला। पिकी में चकाना, पिकी में चकाना। बॉस ये कह रहे हैं कि हम भी आपसे बैर नहीं चाहते। ये लोग तो उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसके पास खूबसूरत लड़की है। ए गज, इसका इशारा डेफिनेटली वो जंगल नेकेड मैन राजा की तरफ है। और वो लड़की डेफिनेटली वो इडियट की बच्ची रीटा होनी मांगती, समझे? बूढ़े को ढूंढने में वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि इन जंगलियों से दोस्ती कर ली जाए। हो सकता है रियासत में हमें लड़ना भी पड़े। ये लोग हमारे सिपाहियों का काम करेंगे। ये पहाड़ी रास्तों के जानकार भी हैं और इस जंगल के रहने वाले भी। That's a good idea. इनसे कहो कि हम तुम्हें तुम्हारा दुश्मन ढूंढ के देंगे, बदले में तुम पहाड़ों के रास्ते बताओ और रूपनगर का खजाना ढूंढने में हमारी मदद करो। जी, ठाकुशा, पाकुशा, हम उषा, ठाकुशा, राजा। ठीक है शिका। बॉस ये कह रहे हैं हमें संधि मंजूर है। ये। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला भी भगवान ही है, इसीलिए भगवान के भरोसे मैं तुझे जल प्रवाह कर रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। राजा, तुम पाप, तुम जुल्म, बच्चा पानी में, बच्चा पानी में। ये हमारी रियासत का कानून है। तोड़ क्यों नहीं देते तुम अपने इस कानून को जो दूध मुहे बच्चों को जल समाधि देने पर मजबूर करता है? और तुमने मासूम बच्चों की जान लेने का जिम्मा अपने सर क्यों ले रखा है? मैं कौन होती हूँ किसी की जान लेने वाली? जान लेने वाला और देने वाला तो भगवान होता है। जिस तरह राजा ने इस बच्चे को बचा लिया, उसी तरह आज से 20 साल पहले राजा को भी किसी ने बचाया होगा। हाँ, आज से 20 साल पहले मैंने ही तुम्हें जल प्रवाह किया था। राजा की माँ कौन? महारानी विद्यावती। हाँ। राजा रानी से बात? रानी से बात करने का कोई फायदा नहीं राजा। अरे वाह, फायदा क्यों नहीं? ये जुल्म कोई तो रोकेगा। जुल्म राजा रोकेगा, राजा रोकेगा। चलो। जमुना दाई, तुमने बाहरी लोगों को रियासत में लाने का जुर्म किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं इन्हें नहीं लाई, ये खुद यहाँ आए हैं रानी साहिबा। और मैं इन्हें रोक भी कैसे सकती थी? मैं पैदा होते बच्चे को नदी की लहरों में बहा तो सकती हूँ, लेकिन उस लहर को कैसे रोक सकती हूँ जो तूफान बनकर उन सवालों का बांध तोड़ देना चाहते हैं जिन सवालों का जवाब सिर्फ आपके पास है रानी साहिबा। कैसे सवाल, कैसे जवाब? आपका ये बेटा आपसे पूछना चाहता है कि आप पैदा होते बच्चों को जल समाधि क्यों देती हैं? ये पूछना चाहता है कि जो बच्चे मर जाते हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, और जो बच जाते हैं उन बेचारों का वारिस कौन है? ये सवाल तुम्हारे हैं या राजा के? राजा के, राजा के। आज से 20 साल पहले तुमने मुझे पानी में क्यों, इस बच्चे को पानी में क्यों, क्यों?
ये हमारी रियासत का कानून है और हम किसी बाहरी आदमी को अपने मामले में दखल देने की इजाजत नहीं देते। राजा बाहरी नहीं, आपका बेटा। हमारी रियासत में ना तो कोई बाप होता है और ना बेटा, यहाँ सिर्फ बेटी होती है या माँ। यहाँ माँ नहीं, यहाँ पत्थर। रानी माँ, तुम माँ नहीं, तुम पत्थर। राजा यह कानून तोड़ेगा, यह पाप मिटाएगा। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। हम उस शोले को बुझा देते हैं जो हमारे उसूलों की डोर की तरफ लपके। ये वो शोला है रानी साहिबा, जिसे नदी की लहरें नहीं बुझा सकी तो आप क्या बुझाएंगी। ये शोला आप ही की कोख से पैदा हुआ है, ये आप ही का बेटा है। खून की धार तलवार की धार से ज्यादा तेज होती है रानी साहिबा। खून की ये तेज धार हमारा सीना तो चीर सकती है, लेकिन हमारी रियासत के कानून और उसूलों का गला नहीं काट सकती। सैनिकाओं, गिरफ्तार कर लो इन तमाम बागियों को और डाल दो इन्हें तहखाने में। कल सुबह सूरज की पहली किरण से इनकी मौत का डंका बजेगा। रानी माँ, राजा तुझसे नफरत, राजा तुझसे नफरत। ले जाओ इन्हें। तुम लोग रूपनगर का खजाना। मैं खजाना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपनी रियासत की लड़कियों की जिंदगी खजाने से ज्यादा प्यारी है। तुम ये खून खराबा बंद करो। हम भी ये खून खराबा नहीं चाहते, हमें सिर्फ रूपनगर का खजाना चाहिए। ये जितना सोना ले जाना चाहते हैं इन्हें ले जाने दो। जाओ। गजेंद्र, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। खजाना ले 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 ले, ये सब अपना, ये सब अपना, ये ले ये ले, ये बनने बनने, मैं भी बनूंगा इतना सोना। बाल डाला, मरते मरते भी सोना खाएगा। सोना पिकीना चकाना मकाना सकाना सकाना मकाना। राजा ये कह रहा है कि आपको खजाना तो मिल गया मगर इन्हें इनका दुश्मन राजा नहीं मिला। वो भी मिल जाएगा। हे रानी माँ, राजा को जहाँ भी छिपा रखा है हमारे हवाले कर दो, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। कौन राजा, कैसा राजा? मैं किसी राजा को नहीं जानती। गजा, ये रानी माँ है, मदर क्वीन। ये ऐसा नहीं बताएंगा। कोई भी माँ कितना भी जालिम होने दो, अपना बेटे का पता अपने दुश्मन के हवाले कभी नहीं करेगा। Got the point? तकरा शकाना मकाना राजा। कुछ ना, मैंने इनसे कह दिया आपको राजा अवश्य मिलेगा, मगर बॉस इन्हें राजा हर कीमत पर चाहिए। गजा गजा गजा, रानी को बंदी बना के ले चलो, राजा अपने आप आ जाएगा। लकड़ी जलेगी तो धुआं कहाँ छुपेगा। अकल की बात की है तूने। चल, ऐ मीठा मदर स्वीट मदर क्वीन, कम ऑन। राजा, जा के पीछे हो, हमारी बात गौर से सुनो। हम तेरी माँ को बंदी बना के यहाँ से ले जा रहे हैं। अगर अपनी माँ की जिंदगी प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके हमारे सामने आ जाओ। जंगल के सरहद पार करने से पहले हमारे सामने नहीं आए इसे गोली मार दी जाएगी। राजा, सोच कह रहे हो राजा,
तोड़ दो इन जंजीरों को और बचा लो अपनी माँ को। तुम रानी माँ माँ नहीं, पत्थर। तुमने ठीक कहा, एक पत्थर ने दूसरे पत्थर को जन्म दिया। न माँ के दिल में बेटे के लिए ममता है, न बेटे के दिल में माँ के लिए प्यार। खैर, वो तो अपने रियासत के कानून के हाथों मजबूर है, लेकिन तुम्हें क्या मजबूरी है? अगर ये लंबा चौड़ा जिस्म अपनी माँ की मदद के लिए काम नहीं आ सका तो लानत है इसी जिस्म पर। लानत है, लानत है, लानत है। गज्जा, ये साला राजा तो अभी तक नहीं आया। Hey man, वो साला नंगा मैन कमिंग नॉट कमिंग अपने को से क्या टेकिंग? अपन लोग को उसका खजाना यानी कि ट्रेजर मिल गया, अपन अपना रोड मैपिंग। ओके राइट गज्जा? नहीं पिंटो, हमने इन जंगलियों से वादा किया है कि हम इन्हें राजा देंगे, और अगर हमने इन्हें राजा नहीं दिया तो ये हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो फिर क्या किया जाए? रानी को तकलीफें पहुंचाते हैं, माँ की आवाज सुन के बेटा जरूर आएगा। थोड़ी देर पहले तुम रूपनगर की रानी थी, लेकिन अब हमारी कैदी हो, और कैदियों के सर पे ताज शोभा नहीं देता। नहीं, नहीं। hey, Queen Mother का ताज देखो कैसे ऊपर लटकता है। hey, ताज इडियट का बच्चा नीचे। रानी माँ का ताज जमीन पर नहीं।
तू मां को बंदी बनाया, राजा तुझे बंदी बनाया। तू मां को मारा, राजा तुझे नहीं मारेगा, मां तुझे मारेगी। मां बदला। लालची कुत्ते, तूने ये सब खजाने के लिए किया है ना, तो उठा ये सब बोरियां और अपनी पीठ पर लाद कर भाग। अगर मेरी तीर से बच गया तो ये सारा खजाना तेरा। तू कहाँ जा रहा है छैला? चल ना, हम भी चलकर आशीर्वाद ले ले। ओ जाने वाले बालबवा, लौट के आ, लौट के आ। बेटे से तो मिल ली, अब अपनी बहू को भी आशीर्वाद दे दो। पांच हुआ बेटी। पुत्रवती भव, हमारी रियासत में आप पहली रानी हैं जिन्होंने ये आशीर्वाद दिया। आज पहली बार मुझे पता चला कि एक माँ के लिए बेटे का होना कितना जरूरी है।